कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके चलते उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से ये जानकारी दी गई। बताया गया है कि उन्हें कोरोना के बाद कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या बढ़ाने के बाद उन्हें रविवार सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने जानकारी दी कि उनकी हालत स्थिर है, उन्हें कुछ दिन डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा।